बुंदेले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बुंदेलों की वीर धरती पर तैयार यूपी का एक और एक्सप्रेसवे यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वेलकम टू आवर चैनल, स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उसके खूबियों के बारे में और कैसे 7 जिलों की बदले की तकदीर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। 14,849 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। करीब 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन का है और भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किए जाने की योजना है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में कुल 4 लेन हैं। एक्सप्रेसवे को 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पीएम मोदी 16 जुलाई को सुबह 11:30 बजे जालौन जिले के उरई तहसील के कैथई गाँव से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीनों के भीतर पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी के 7 जिलों को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे पर 250 से ज़्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज़्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने ही वर्ष 2020 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। एक्सप्रेसवे फरवरी 2018 में सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की सहमति के बिंदुओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्रों को आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा। इसके साथ ही यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा जिलों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड वीरों की भूमि कहा जाता है। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले अलाउद्दीन महाराजा छत्रसाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई और दुर्गावती ने युद्ध के दौरान वीरता की जो मिसाल कायम किया है उसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जब तक यह देश रहेगा और जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक इन वीरों का नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बुंदेली वीरों की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। हर टोल प्लाजा व रैंप को बुंदेली लुक में ढाला जा रहा है। इन्हें बुंदेलखंड की ऐतिहासिक इमारतों और दुर्ग का स्वरूप दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत जनपद चित्रकूट के भरतकूप से हुई है, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ऋषि मुनियों की पेंटिंग बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बनने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे काफी अलग होगा। 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे ड्राइवर को नींद आने पर खुद झकझोर कर जगा देगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए बनकर तैयार इस सड़क के किनारों पर रेस रिब लगाई गई है। नींद के झोंके में गाड़ी बहकी तो टायर दाईं या बाईं ओर रेस रिब पर चढ़ेंगे, यह ड्राइवर को झकझोर देगी और ड्राइवर जग जाएगा। आपको बता दें कि देश में पहली बार किसी सड़क पर रेस रिब लगाए गए हैं। यह 12 इंच चौड़ाई की थर्मोप्लास्टिक की पट्टी है, जिसे 50-50 सेंटीमीटर दूरी पर रोड मार्किंग के ऊपर लगाया गया है। रेस रिब 8 मिलीमीटर मोटी है, जबकि रोड मार्किंग 3 मिलीमीटर मोटाई में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस एक्सप्रेसवे पर खतरा की संभावना कम रहेगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।